आज का दिन सलमान खान के जितने भी फैंस हैं उसके लिए बहुत ही बड़ा दिन है और दिन था, मतलब सुबह से लोग बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि किसी का भाई किसी का जान का ट्रेलर कब आएगा कब आएगा। भाई सब जैसे मैंने बताया था लेट आएगा कोई बात नहीं, बस इसका व्यू देखो भाई यार, हर घंटा में 1 मिलियन बढ़ते जा रहा है भाई सब, मतलब ये किस रफ्तार से चल रहा है मेरे को तो समझ में नहीं, मतलब इतना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं भाई साहब। लेकिन भाई साहब कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से मूवी काफी ज्यादा पैसा कमा सकती है, और कुछ ऐसे एक दो पॉइंट्स भी मेरे को फील हो रहे हैं जिसकी वजह से भाई साहब मूवी थोड़ी बहुत इधर उधर मतलब डगमगा सकती है भाई साहब बॉक्स ऑफिस में, तो बात करते हैं उसी के बारे में। इससे पहले चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना मूवी सुपर डुपर हिट होने का भाई, वो खुद सलमान खान है भाई। सबसे पहली बात, इतने दिन के बाद सलमान खान आ रहे हैं, वो भी ईद में आ रहे हैं भाई साहब। उनकी 2019 में लास्ट मूवी आई थी भारत ईद में, उसके बाद से 2023 में भाई सिर्फ ईद में आ रही है उनकी मूवी। और भाई देखो मैं एक चीज बताऊँ, सलमान खान के जितने भी फैन हैं उनको कोई परवाह नहीं भाई सिर्फ स्टोरी अच्छी है नहीं है क्या मतलब कुछ नहीं, उनकी मूवी आई बस जाना है देखने के लिए भाई। देखो एक्चुअली आखिर में जो फैन होते हैं ना वो फैन ही होते हैं, उनको स्टोरी या इससे कोई मतलब नहीं होती। जो बेकार लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई साहब स्टोरी चाहिए तो भाई वो फैन नहीं है भाई साहब, वो मूवी लवर होता है। जो मेरे को सबसे बड़ा चीज नजर आ रहा है ना भाई साहब इस मूवी की कास्टिंग भाई साहब, देखो नो डाउट सलमान खान जो है ना वो अकेले किसी भी मूवी को उठाने की इतनी तो पावर रखते हैं भाई साहब, उनका अगर लास्ट रिकॉर्ड देखा जाए भाई साहब उठा के तो अकेले वो सारे ऑडियंस को खींच लेके आ सकते हैं। लेकिन भाई साहब इस मूवी में भाई साउथ के बहुत सारे एक्टर्स ने भी काम किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि देखो साउथ की जितनी भी मूवीज आती है ना वहाँ की जो ऑडियंस रहती है ना भाई वो मूवी देखने नहीं जाती, एक्चुअली मूवी को सेलिब्रेट करती है। तो इसका मतलब सोचो कि यहाँ पर बॉलीवुड और साउथ से कितना ज्यादा ऑडियंस जाएगा। तो भाई साहब फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन लगाना भी मेरे हिसाब से बहुत डेंजर है। जैसा कि हर मूवी में हम लोग को पता है कि सलमान खान का जितना भी मूवी हिट होता है भाई साहब 90% की जो मूवी रिलीज होती है उसमें एक्शन दिखाया जाता है, जिसकी वजह से फैन भाई साहब घर से टूट फट के सब ले ला के चल जाते हॉल में देखने के लिए सिर्फ उनकी एक्शन को, ठीक है। और भाई साहब उनका जो टी शर्ट वगैरह खुलता है तो जो सिक्स पैक्स नजर आता है, तो जिमर्स वगैरह जाते तो भाई साहब उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है उनको। तो भाई लास्ट में अगर फैंस की बात करें तो भाई मेनली सलमान खान के जितने फैंस है भाई साहब वो उनके एक्शन को ही लाइक करते हैं ज्यादा से। एक और चीज मेरे को दिखा इसमें भाई साहब ट्रेलर देखने के बाद तो मेरे को समझ में आया कि सलमान खान जिस टाइप का एक्शन कर रहे हैं ना भाई उस हिसाब से तो लग रहा है भाई साहब विलन जो है ना काफी ज्यादा पावरफुल है, और भाई जिस मूवी में हीरो और विलन टक्कर का हो भाई साहब वो मूवी तो पठान जैसा हिट हो ही जाएगा। तो भाई पठान जैसा तो मेरे हिसाब से नहीं जा सकते, लेकिन भाई साहब उससे कम आसपास इधर उधर तो चली जाएगा। मूवी का सबसे बड़ा जो मेरे को माइनस पॉइंट दिख रहा है ना ये दिख रहा है कि भाई देखो सबसे पहले टीजर आया, उसके बाद से फिर 5 गाने आए, उसके बाद से फिर ट्रेलर आया। अगर हम मैंने क्या कहना सब का जितना टाइमिंग है ना मूवी के अंदर ही तो सब आएगा ना, सब काट काट के दिया गया, सब का टाइमिंग जोड़ दिया तो भाई साहब मेरे को 24 से 25 मिनट निकल गए। अब जब मैंने मूवी का ड्यूरेशन देखा तो देखा 2 घंटा 25 मिनट के आसपास की ये मूवी है, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि भाई 25 मिनट तक हम लोगों को हॉल में सिर्फ गाने देखने को मिलेंगे भाई, ये चीज ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस, जो ऑडियंस जाती है भाई साहब रश मूवी देखने के लिए भाई साहब एनी टाइम एंटरटेनमेंट भाई, उनको अगर आप गाना सुनाते रहोगे तो मेरे हिसाब से ये एक वीक पॉइंट हो सकता है। अगर इतना ज्यादा गाना उन्होंने सब डाल दिया भाई साहब तो मूवी का स्टोरी बीच बीच में ब्रेक होता नजर आया। एक चीज तुम लोगों से सच पूछ रहा एकदम सच जवाब देना भाई साहब, देखो इतना गाना देखा तुम लोगों ने, टीजर देखा ट्रेलर देखा, 90% मूवी तो समझ गए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सलमान खान एक हीरो टाइप के अपने जो रहते हैं भाई साहब मूवी में, अब वो कहीं जा रहे होते भाई साहब पूजा से लड़ उड़ के भाई किसी तरीके से उनसे प्यार हो जाता है, अब वो तो मूवी में हो ही जाता है, ठीक है। अब उनकी बात शादी तक पहुंच जाती होगी तो, लेकिन भाई साहब शादी होने से पहले भाई सलमान भाई को पता चलता हो कि उनकी बहन के जो भाई है वेंकटेश उनके पीछे बहुत सारे गुंडे लगे हुए। अब भाई साहब क्या बात है, बस सलमान खान को पता चल गया गुंडे लगे तो भाई साहब अब ऐसे निकाल देंगे गुंडे, जो एक्शन दिखाया गया ना भाई साहब लास्ट में ट्रेलर का बवाल था। तो यही मूवी है, बस एक चीज आपको जानना ये रहेगा कि भाई साहब की जो विलन है वो भाई साहब लड़की वाले के पीछे क्यों पड़ा है। अब देखो ये फैमिली ड्रामा मूवी तो हो सकता है भाई साहब जगह जमीन जायदाद का लेकर कुछ इस टाइप का स्टोरी बना है, तो इसके वजह से भी हो सके ऑडियंस थोड़ी बहुत ये हो जाए कि भाई स्टोरी तो पता है, कई वन टाइम अगर जाएगी देखने के लिए तो अगर कुछ यूनिक नहीं मिलेगा तो शायद दूसरे टाइम फिर जाएगी देखने के। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।